Bismillahirrahmanirrahim. I am your teacher from the readers. Mathematics class 9, unit number 6, exercise 6.3. आज के आर्टिकल में इसके रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि बेसिकली इसके रूट है क्या। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर means a number whose square is that number. It means कि square root हम हमेशा root का sign positive number के ऊपर apply करते हैं, negative number के ऊपर ये apply नहीं किया जाता। According to definition, यानी किसी positive number के square root से मुराद ऐसा number है कि जब उसका square लिया जाए तो वो फिर उसी positive number के equal हो, तो फिर वो नंबर उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने 36 पॉजिटिव नंबर जो है ये चूज किया है, तो आइए हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 36 की फैक्टराइजेशन जो है वो 4-5 तरह से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9, 6 × 6। तो 6 × 6 यानी सेम फैक्टर 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो अगर सेम फैक्टर 2 टाइम रिपीट हो, 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ अ सेम नंबर, वी से दैट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ 6 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 6। तो देन अब वी अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू यानी 6 के स्केयर का 30 स्केयर रूट। तो रूट और स्केयर रूट, स्केयर और स्केयर रूट, ये दोनों अपोजिट एक्शन होते हैं, यानी एक दूसरे की जिद होती हैं। स्केयर स्केयर रूट को एलिमिनेट करता है और स्केयर रूट स्केयर को एलिमिनेट करता है। तो ये स्केयर रूट जो है स्केयर को एलिमिनेट करेगा तो 6 फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि स्केयर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, यानी 36 का जो स्क्वायर रूट है इक्वल टू 6 है। यानी 6 वो नंबर है वो जिसका स्क्वायर लिया जाए तो फिर उसी पॉजिटिव नंबर 36 के इक्वल आता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यही है, स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर मींस अ नंबर हुज स्क्वायर इज दैट नंबर। यानी किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ऐसे नंबर के इक्वल आए कि रिवर्सली अगर उस नंबर का जब स्क्वायर लिया जाए तो वो फिर उसी नंबर के इक्वल आ जाए, तो फिर वो नंबर उस गिवन पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। क्वेश्चंस के दौरान हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो उसके आंसर के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी यूज करते हैं। चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में अपोजिट एक्शन है, अगर 36 का स्क्वायर रूट 6 के इक्वल है तो 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल है। अब 6 पॉजिटिव का स्क्वायर लिया जाए वो भी 36 के इक्वल स्क्वायर, और 6 नेगेटिव का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी 36 के इक्वल। तो इसलिए 6 के साथ प्लस माइनस का साइन लगाया जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो 36 है ये पॉजिटिव 6 का स्क्वायर है या नेगेटिव 6 का स्क्वायर है। क्योंकि पॉजिटिव 6 का स्क्वायर लिया जाए वो भी 36 के इक्वल, नेगेटिव 6 का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी 36 के इक्वल। इसलिए हम आंसर के साथ दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइन कंसीडर करते हैं। तो स्क्वायर रूट मालूम करने के 2 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। तो आज 6.3 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेसिकली है बाय फैक्टराइजेशन। तो जितने क्वेश्चन ये हमें मेंशन है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से ऑनवर्ड, पहला क्वेश्चन है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके टोटल 9 पार्ट हैं और इन पार्ट्स को हम पहले फैक्टोराइज करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट और 6 और 7 पार्ट, ये 3 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट जो है ये सॉल्व करते हैं। ये x² - 1 + 1/4x². तो अब हम ये देखते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, या इसे फैक्टोराइज करके देखें
कि ये कौन सी एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो सबसे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इट मीन स्क्वायर ऑफ एक्स, और 1/4x जो है ये स्क्वायर है 1/2x का। और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 इसका प्रोडक्ट होगा फर्स्ट टर्म यानी ए के साथ जो कि एक्स है, और बी और बी है कि प्लेस भी हमारे पास है 1/2x। तो इस तरह इन दोनों का अगर प्रोडक्ट हम मालूम करें तो 2x 2x से कैंसिल हो जाएगा, 1 जो है वो फ्री हो जाएगा जो कि हमारी मिड टर्म की इक्वल है। तो इस तरह से ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बेसिकली ये स्क्वायर बनता है ए माइनस बी का। तो ये हमारे पास स्क्वायर बनेगा ए की प्लेस पे एक्स, बी की प्लेस पे है 1/2x, तो ये स्क्वायर है एक्स माइनस 1/2x का। तो अब अगर दोनों सेट का स्क्वायर रूट अप्लाई किया जाए, ये स्क्वायर रूट है गिवन एक्सप्रेशन के ऊपर, और क्योंकि गिवन एक्सप्रेशन जो है ये एक्स माइनस 1/2x का स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन आएगा। और जैसा कि मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया है कि प्लस माइनस का साइन हम यूज़ करते हैं, और इसकी रीज़न भी मैंने बताई है। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, और ये स्क्वायर जो है रेडिकल साइन से कैंसिल हो जाएगा और एक्स माइनस 1/2x फ्री हो जाएगा, और साथ हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट, इसकी अमाउंट एक्स प्लस 1/x² माइनस 4 × x माइनस 1/x, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है एक्स प्लस 1/x ये पॉजिटिव है, और माइनस 4 के साथ जो दूसरा फैक्टर है वो नेगेटिव में है, यानी एक्स माइनस 1/x पहली फर्स्ट टर्म के बिटवीन एक्स और 1/x के बिटवीन पॉजिटिव साइन है, और जबकि 4 के साथ जो फैक्टर अटैच है इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एक्स प्लस 1/x है, क्या हम इस स्क्वायर को भी नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम नेगेटिव का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे ताकि ये गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास किसी ना किसी एक्सप्रेशन का कम्प्लीट स्क्वायर बन जाए। तो आइए हम इस चीज़ के लिए एक्स प्लस 1/x को अगर हम एक्सपेंड करें उस स्क्वायर को, तो ए प्लस बी स्क्वायर के मुताबिक इसे एक्सपेंड करें, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म और स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab जब हम लिखेंगे तो एक्स एक्स से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 2 फ्री हो जाएगा, और माइनस 4 × x माइनस 1/x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4 × x माइनस 1/x और प्लस 2 जो है इसी में एंड पे ले जाता हूँ। इसकी रीज़न है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इस स्क्वायर को पॉजिटिव स्क्वायर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो 2 अपनी तरफ से हम सबट्रैक्ट भी कर देते हैं और इसे ऐड भी कर लें। बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 2 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2। ये जो 2 माइनस सबट्रैक्ट किया है जिसके साथ अटैच कर दिया, और जो 2 ऐड किया है वो लास्ट वाली टर्म 2 के साथ आप ऐड कर दें। इस तरह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 जो है इतना पार्ट एक्स माइनस 1/x का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 × x माइनस 1/x उसी तरह, और 2 + 2 = 4 की इक्वल। आइए हम देखते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर बनेगा एक्स माइनस 1/x यानी इसका स्क्वायर, और 4 2 का स्क्वायर। तो अब फार्मूले के मुताबिक यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए की जगह पे एक्स माइनस 1/x और बी की जगह पे 2, तो इन यानी कि इस मिड टर्म जो इसका प्रोडक्ट माइनस 4 × x माइनस 1/x की इक्वल आता है। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की प्लेस पे एक्स माइनस 1/x और बी की प्लेस पे माइनस 2। तो इस एक्सप्रेशन का हमारे पास ये कम्प्लीट स्क्वायर बनेगा, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हम इसका स्क्वायर रूट मान लेते हैं, तो इस साइड का भी स्क्वायर रूट और इस साइड का भी स्क्वायर रूट। तो ये चूंकि आगे इस क्वेश्चन का थोड़ा पार्ट मिस है, मैं वैसे और भी गाइड कर देता हूँ। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया जाता है
इसके ऊपर तो स्केयर रूट मेंटेन उसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि इसका हमने मालूम करना है। और राइट साइड पे जो स्केयर रूट का साइन आएगा वह स्केयर के साथ कट जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इन टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू, ये इस गिवन एक्सप्रेशन का आंसर होगा। नेक्स्ट वन हम कंसिडर करते हैं सेवन्थ पार्ट, ये एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स होल स्केयर माइनस फोर इन टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्केयर प्लस ट्वेल्व। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म स्केयर में है और यहाँ पे चूंकि जब हम टू ए भी लिखेंगे तो ए की प्लेस पे एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर रहेगा, जो कि स्केयर फॉर्म में नहीं है, सिंपल एक्स प्लस वन ओवर एक्स है। तो लिहाजा हम इस स्केयर को एक्सपेंड करते हैं, ये आ जाएगा माइनस फोर इंटू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर प्लस टू प्लस ट्वेल्व। तो एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर होल स्केयर माइनस फोर, यहाँ तक हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। ये टर्म जो है इसके दो पार्ट हम बनाते हैं, क्योंकि माइनस फोर जो है होल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस फोर इंटू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर ब्रैकेट ऑफ माइनस, यानी ये माइनस फोर जो है इस टू पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास एट आ जाएगा माइनस एट और प्लस ट्वेल्व, बाकी सेम उसी तरह, और ट्वेल्व में से एट माइनस करें तो प्लस फोर। अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स होल स्केयर फोर, ये टू का स्केयर और माइनस टू ए बी, तो ये इसका प्रोडक्ट माइनस फोर इंटू एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की इक्वल आता है। तो गिवन एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस टू का। अब टेकन स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी लेफ्ट साइड पे भी जो गिवन एक्सप्रेशन है इसके ऊपर भी स्केयर रूट का साइन आप अप्लाई कर दें और इसकी फैक्टराइजेशन जो है एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस टू होल स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर रूट का साइन आप यूज कर लें। तो प्लस माइनस साइन जो कि मैंने आपको पहले बताया भी है और इंटू जो स्केयर रेडिकल साइन से एलिमिनेट हो जाएगा और मीनिंग आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस टू, और यही गिवन एक्सप्रेशन का स्केयर रूट है। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। तो डियर स्टूडेंट, आप 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक जो है वो सॉल्व कीजिएगा, जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो मैंने खुद करवा दिए हैं। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर जो होगा 6.3 एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक होगा। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो इंशाल्लाह क्वेश्चन 2 से 5 तक डिस्कस करेंगे। तो आज की जो यानी कि आज का होम टास्क है क्वेश्चन 1 ही है और इसके 9 पार्ट हैं, ये सॉल्व कीजिएगा अभी। ओके, अल्लाह हाफिज़।